please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक मकान के बाहर खड़े कुछ लोग मातम में डूबे दिखे। इन लोगों का आरोप है कि सकीना नाम की एक महिला ने जुल्म की सारी हदें पार करते हुए अपने 8 साल के सौतेले बेटे को जहर दे दिया, जिसकी वजह से उसके सौतेले बेटे अल्तमश की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद मासूम बच्चे का पूरा परिवार मातम में डूब गया। परिवार का आरोप है कि बच्चे के पिता नसीर ने 3 साल पहले अपनी पत्नी की मौत के बाद सकीना से दूसरी शादी की थी, जो नसीर की पहली शादी से हुए दोनों बच्चों को बुरी तरह मारती पीटती थी। तो यूं कहते कि हम करंट लगा के मार डालम। परिवार का ये भी आरोप है कि हत्या की आरोपी सकीना वारदात को अंजाम देने के बाद अल्तमश के छोटे भाई को भी अपने साथ ले गयी। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। परिवार का आरोप है कि सौतेले बेटे के साथ हो रही ज्यादती की शिकायत पुलिस को भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बावजूद वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस फिर आई, कुछ कार्रवाई की, फिर चली गई। लेकिन वारदात के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। जो शिकायत है इसकी जाँच की जा रही है, उसमें जैसी भी स्थिति बनेगी लीगल कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। हालांकि इस मामले में लड़की के पिता की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला एक अस्पताल के अंदर एक कोट को हाथ में पकड़कर रोती नजर आई। ये कोट उसके पति का था, जिसे सड़क पर हुए मामूली झगड़े के बाद कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी और महिला के पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसकी खबर मिलते ही घर वालों में मातम पसर गया। मारे गए विनोद मेहरा की पत्नी का आरोप है कि उसके पति अपने भांजे के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कार में सवार 4 लोगों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने विनोद मेहरा की गाड़ी का पीछा कर उसको रुकवाया और कार में सवार एक व्यक्ति ने उनके सीने में गोली मार दी। जिसने मारी है अभी पता नहीं लगा उसका, हमने नंबर ट्रेस कर लिया गाड़ी वाले का। घर वालों ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वारदात की जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बारात में शामिल कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखे। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े के दौरान फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। लेकिन उससे पहले बारात की विदाई के दौरान नशे में धुत कुछ लोग और लड़की के पिता में अचानक झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े से जुड़े वायरल वीडियो में पीली रंग की टी शर्ट पहना एक लड़का भीड़ को डराने के लिए अपने पिस्तौल लहराते दिखा। आरोप है कि झगड़ा बढ़ने के बाद इसी लड़के ने अपने पिस्तौल से 2 गोलियां चला दी, जो झगड़े में बीच बचाव करने आए लड़की के 2 भाइयों को लग गई। लड़ाई हुई थी बरातियों में और लड़के के बाप में, उसको पीटा गया था, उसके बीच बचाव में हमें छर्रा लगे हुए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल दोनों लड़कों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और कार्रवाई में जुट गई। 3 लोगों को पकड़ लिया गया है और उनकी एक गाड़ी है जिसमें कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, वो गाड़ी पकड़ ली गई है। पुलिस का दावा है कि ये झगड़ा शादी के जश्न के दौरान हुई फायरिंग से शुरू हुआ, जिस पर लड़के के पिता ने कड़ा एतराज जताया था। दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एक महिला रोती हुई दिखाई दी। आरोप है कि सेल्समैन बनकर आए 4 लुटेरों ने इस महिला के घर में लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए, जिसकी शिकायत करने महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। इससे पहले लुटेरों ने महिला के घर में घुसकर लूट को अंजाम दिया। आरोप है कि लुटेरों ने करीब 5 लाख रुपए की नकदी और गहने लूट लिए। 2.25 लाख रुपए कैश होगा और 18-20 तोले सोना होगा उनका। लूट की वारदात के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरे सेल्समैन बनकर पीड़ित महिला के घर पहुंचे। इनमें 2 ने अंदर घुसकर 2 महिलाओं और एक बच्चे को बंधक बना लिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब लुटेरे भाग रहे थे तभी घर वालों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने 2 लुटेरों को दबोच लिया जबकि 2 भाग निकले। उन्होंने अलमारी खोल के सारा सामान उठा कर ले। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके फरार साथियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीड़ की मौजूदगी में एक आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर रोता नजर आया। आरोप है कि सराफा कारोबारी की आंखों में मिर्च झोंक कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत करने वो कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचा था। लूट के शिकार व्यापारी के मुताबिक लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो गहनों की डिलीवरी करके लौट रहा था। व्यापारी के मुताबिक बस अड्डे के पास कुछ बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया और हथियार के दम पर बैग में रखे 1.5 किलो सोने को लूट लिया। आंखों में मिर्ची डाल के तो मुझे तमंचा दिखा के मेरे जो मेरे पास बैग था टैची था वो छीन के लूट गई। 3 व्यक्ति इनके ऊपर हमला किए और इनका जो बैग था जिसमें इनके सामान भरा हुआ था वो छीन के गाड़ी से भाग गए, लेकिन पुलिस को बदमाश का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इजराइल के तेल अवीव के लिए दिल्ली से सीधी उड़ान जल्द ही शुरू होने वाली है।
इसराइल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसराइल ने एयर इंडिया को करीब 6 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है, जिसके बाद एयर इंडिया अगले 3 महीने से तेल अवीव और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान जल्द ही कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल अवीव के लिए दिल्ली से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट 20 मार्च को उड़ान भरेगी और इसके बाद हफ्ते में 3 दिन रविवार, गुरुवार और मंगलवार को एयर इंडिया इस तरह की उड़ान चलाएगी। ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को इसराइल बुलाने के लिए इसराइल ने प्रमोशन पर $25 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इसराइल की सरकार दावा कर रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने से टूरिज्म 3 गुना तक बढ़ सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे एक आदमी के कपड़ों पर खून के धब्बे दिखे। आरोप है कि पेशे से हरियाणा रोडवेज के इस बस ड्राइवर के साथ गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी आंख, नाक और कान पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद पुलिस ने उसका इलाज गुरुग्राम के एक सरकारी अस्पताल में करवाया। इस बीच मारपीट की इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें झगड़े से पहले टोल बूथ के अंदर बैठे 2 कर्मचारी वहां पहुंची हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर से बातचीत करते दिखे। इस दौरान किसी बात को लेकर बूथ के अंदर मौजूद टोल कर्मचारी और बस के अंदर बैठे ड्राइवर में कहासुनी शुरू हो गई, जिस पर उस बस के कंडक्टर ने बस से नीचे उतरकर टोल बूथ का दरवाजा खोला और टोल बूथ के अंदर खड़े कर्मचारी से बात करने लगा, जिस पर टोल कर्मी ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद सरकारी बस का ड्राइवर भी वहां पहुंचा और झगड़ा बढ़ता देख बीच बचाव करने लगा, जिस पर टोल कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की इस घटना की वजह से टोल प्लाजा पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल बस ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद बस ड्राइवर ने झगड़े की वजह टोल टैक्स बताई और आरोप लगाया कि टोल बूथ पर सिर्फ बस का नंबर भूल जाने की वजह से उसके साथ मारपीट की गई। मैं कंडक्टर को बोला, मैं भाई तू जा का बताया, उसको नंबर अंदर गया, उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी, मैं उसको छुड़ाने गया, उसने मेरे भी लात को घुसा मारी। बस ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ड्यूटी में बाधा डालने पर, उनके साथ मारपीट करने पर, जो कानून की उचित धाराओं के तहत टोल टैक्स पे कार्य करने वाले उस दोनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम फरीदाबाद टोल निजी कंपनी के जरिए संचालित होता है, जिसकी वजह से यहां काम करने वाले कर्मचारियों पर बदसलूकी के भी आरोप लगते हैं। संसद भवन पहुंचे तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों में एक नारद की वेशभूषा में नजर आए, उनके बाकी साथी भी अलग तरीके से विरोध करते दिखे। बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से टीडीपी की नाराजगी कम नहीं हो रही। यही वजह है कि अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक टीडीपी सांसद ने विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाया और नारद की वेशभूषा धारण कर संसद पहुंचे। मोदी हैज प्रॉमिस्ड सो मेनी थिंग्स बट ही इज नॉट कीपिंग अप दिस वर्ड, दिस इज इंसल्टिंग द पब्लिक ऑफ आंध्र प्रदेश। इसी दौरान बाकी के टीडीपी सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। टीडीपी ने सरकार से आंध्र प्रदेश को लेकर किए गए वादे पूरे करने की मांग की। वी वांट कॉन्क्रीट information when we are how when and how we're going to get all the promises fulfilled to us. 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी सरकार ने इसी के मद्देनजर अपना यह 5वां बजट पेश किया, लेकिन टीडीपी का आरोप है कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को लेकर किया गया वादा पूरा नहीं किया, इसलिए बजट में अनदेखी से नाराज टीडीपी ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि पार्टी ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की अटकलों को तो खारिज किया, लेकिन सरकार पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप जरूर लगाया। आंध्र प्रदेश को बचाने की ये मांग कर रहे हैं और इनका आरोप है कि जो गठबंधन धर्म है वो बीजेपी ने नहीं निभाया है। टीडीपी के इस विरोध प्रदर्शन से अलग वाईएसआर कांग्रेस के भी कुछ सांसद राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर संसद के बाहर विरोध करते नजर आए। वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता है, जो सांसद है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी भी मांग है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अपनी मांग को लेकर टीडीपी बीते 2 दिन से प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी आज पहली बार पार्टी मुख्यालय में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार पार्टी मुख्यालय में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए, महाराष्ट्र के छात्रों से मिले। आज शाम करीब 6 बजे केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। गुजरात हाईकोर्ट की जज अभिलाषा कुमारी मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 9 फरवरी को शपथ लेंगी। पंचकुला हिंसा मामले में फरार बाबा राम रहीम का करीबी आदित्य इंसा पर इनाम की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भूमाफियाओं पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एक फौजी ने न्याय नहीं मिलने पर हथियार उठाने की धमकी दी।
भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव का सबूत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 15 साल में सीज फायर उल्लंघन की सबसे ज्यादा घटनाएं साल 2017 में हुई। आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 980 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। इन आंकड़ों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पर हुई गोलीबारी के आंकड़े शामिल हैं। साल 2017 में हुई इस गोलीबारी में सेना के कुल 15 जवान शहीद हुए, जबकि बीएसएफ के जवानों की शहादत का आंकड़ा 4 का रहा। और सीमा के पास के इलाकों में रहने वाले 12 भारतीय नागरिकों की इस गोलीबारी की वजह से मौत हुई। इस तरह से सीज फायर उल्लंघन की वजह से साल 2017 में कुल 31 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2016 में सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं 446 हुई, जिसमें सेना के 8 जवान शहीद हुए, बीएसएफ के 5 जवानों ने शहादत दी और 13 आम नागरिक गोलीबारी का शिकार हुए। कुल मिलाकर सीज फायर उल्लंघन में साल 2016 में मरने वालों का आंकड़ा 26 का रहा। साल 2014 से साल 2017 तक के 4 साल के दौरान कुल 2414 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इन घटनाओं में सेना के कुल 30 जवानों ने शहादत दी, जबकि बीएसएफ के 15 जवान इन 4 साल में शहीद हुए और इन 4 सालों में 55 आम भारतीयों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह से कुल मिलाकर सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं में 100 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सीमा पर यह तनाव साल 2018 में भी कम नहीं हुआ है। नए साल के 36 दिन में ही 241 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। इन 36 दिनों में अब तक 9 जवान पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हो चुके। श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल से फरार हुए पाकिस्तानी आतंकी अबू हंसला को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अबू हंसला नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है। आतंकी की तलाश में आईबी और रॉ के अधिकारियों ने सीमा पर डेरा डाल दिया है और भारत नेपाल सीमा पर सुनौली के आसपास जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के अंदर सुरक्षा बल के हथियारबंद जवान मुस्तैद नजर आए। सुरक्षा बल की मुस्तैदी इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाया गया अबू हंजला नाम का एक आतंकी पुलिस के चंगुल से फरार हो गया, जिसके बाद अस्पताल के अंदर हड़कंप मच गया। पुलिस के चंगुल से फरार आतंकी की तलाश के लिए जवानों ने अस्पताल के हर एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन अबू हंजला उनके हाथ नहीं आया। थोड़ी देर में पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंचे और मीडिया को घटना की जानकारी दी। उसने फायर किया है, हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी। शुरुआत में ये बात सामने आई कि अबू हंजला ने एक पुलिस वाले की राइफल छीनकर गोली चलाई और फिर वहां से भाग निकला, लेकिन असल में अबू हंजला को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने पूरी योजना बनाई थी। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ अबू हंजला लश्कर ए तैयबा का आतंकी है और 2014 में एक तलाशी अभियान के दौरान 62 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उसे कुलगाम से गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ जवान अबू हंजला समेत 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। जब पुलिस उन्हें लेकर अस्पताल के गेट पर पहुंची तो पहले से वहां मौजूद 2 लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सूत्रों का दावा है कि उनमें एक ने अबू को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया और उसे एक पिस्तौल थमा दी। फिर अबू हंजला ने भी पुलिस पर फायरिंग की और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। पाकिस्तानी मिलिटेंट नवीद बताया जा रहा है, जो 2015 में गिरफ्तार किया गया था और यहाँ ये हॉस्पिटल है जहाँ से वो फरार हुआ। फरार आतंकी अबू हंजला पाकिस्तान का रहने वाला है और उसे नावीद के नाम से भी जाना जाता है। अस्पताल से आतंकी के भागने के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई और श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। अस्पताल में हुए इस आतंकी हमले में मुश्ताक अहमद नाम का पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, जबकि गोली लगने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले को अस्पताल की ओपीडी के ठीक बाहर सड़क पर अंजाम दिया गया। ये वो स्पॉट बताया जा रहा है, 3 गोलियों के निशान यहाँ पे हैं। एक तो ये स्पॉट आप देख सकते हैं। फिलहाल फरार आतंकी की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा बल की पूरी कोशिश है कि अबू हंजला सीमा पार कर पाकिस्तान में दाखिल न हो पाए।